सुन रहा था कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 75% है एज ऑफ अगस्त 1। एक US बेस्ड एक मॉर्निंग कंसल्ट है, पता नहीं इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। और लेकिन जो जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं इकोनॉमी की एक्सपेंशन के हवाले से या GDP ग्रोथ रेट के हवाले से, या जो IMF कह रहा है कि जो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, आप कैसे देखते हैं? इधर पाकिस्तान का तो आपने देख लिया तमाशा, हुकूमत जा रही थी और वो जो साइफर था तारर साहब, देखे दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तानी सफीर ने अमेरिका से एक लेटर लिखा और वो लेटर आज अमेरिका की अखबारों में छप रहा है, जो कि कहा जाता है कि वो साइफर जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो उसको डीकोड करना पड़ता है, उसको डिफरेंट तरीकों से पूरी पूरी टीमें बैठी होती हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर, और वो आज उधर छप गया है। और इधर वो कह रहे हैं कि मुझे तीसरी टर्म दें तो मैं आपको दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दूंगा, और पाकिस्तान में ये भी नहीं पता तारा साहब इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। मैं चीमा साहब मिलना चाहूंगा कि आज हाउ द इंडिया इज राइजिंग, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है उनकी यंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज वन नंबर वन रीजन, और GDP के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी स्लगश हुई है और उसका फायदा भारत। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, अमेरिका सुस्ती का शिकार है। अमेरिकन इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाके देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो 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 सोशलिज्म बढ़ता जाएगा यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है उसकी वजह उसमें। बल्कि एक और चीज उसमें मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं, अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ। उससे आगे जो मैं उसमें अगला पॉइंट जो मैं देना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, वो ब्लॉक बनाने का भी भारत को फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है, आप देखेंगे इस वक्त मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन लॉबी छोड़कर रशिया और चाइना के पीछे जा रहे हैं, और उस नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा है आपने UAE की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नए नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। UAE के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसका फायदा सबसे बड़ा जो इंडिया ने ये उठाया है कि UAE की इन्वेस्टमेंट उठा के कश्मीर में ले आए, और उसमें उन्होंने क्या किया है, जब मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से दो मुल्कों को एंगेज किया है और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया है। वो ये किया है कि उन्होंने UAE और सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, और पाकिस्तान के फाइनेंसर कौन है, सऊदी अरेबिया, UAE। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द इंडियन रिलेशनशिप इन द मिडल ईस्ट। सो मिडल ईस्ट के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया है। और उससे अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि देखें इस वक्त भारत ने जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट दे आर मैनिपुलाइजिंग राइट नाउ एट द मिनट इस वक्त, उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये है जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्कूलों में एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी इज कैलकुलेशन, एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर। So this is one of the fundamental reason they have a upper hand in the digital world. फिर इस वक्त जो उन्होंने एक डिजिटल इंडिया की कैंपेन चला रखी है कि हर ठेले वाला है उसका भी QR नंबर चल रहा है, हर ठेले वाले के पास UT, उनका जो नया सिस्टम अगर आप देखें
जिसको यूटीआई सिस्टम है उनका जो पे करते हैं, गूगल पे का वो जो सिस्टम है, हर ठेले वाले सब्जी वाले रेडियों के ऊपर भी अपना लगा के फिर रहे हैं। अब उसका फायदा एक ये हुआ है कि गवर्नमेंट को पता है कि लोग टैक्सेशन के हवाले से सारी चीजें सामने ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ रही है। तो ओरिजिनली स्टेट हैज गेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसको अगर देखा जाए तो ये किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हम अभी उस रीजन के अंदर दूसरा कोई मुल्क जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जो आखिरी पॉइंट जो इसमें कहूंगा कि स्टेट ने मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है। आपने देखा कि एप्पल वहां जा रहा है, आपने देखा है टेस्ला वहां जा रहा है। सोल फंडामेंटल रीजन इस वक्त अगर देखा जाए, जो टेस्ला ने अगले दिन अपने नए विभेव त्रेजा साहब को CFO बनाया है, उसकी फंडामेंटल रीजन एक यही है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। और जो त्रेजा साहब हैं उनकी डिग्री न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, वो पहले CA बने फिर उन्होंने आके CPA किया। और उनको प्रमोट करने वाले कौन थे, वो उनको प्रमोट किया था प्रीत अहूजा साहब ने जो पहले CEO थे। तो मैं ये समझता हूं कि अब दुनिया का जो उनकी मेक इन इंडिया मूवमेंट थी, जिसके अंदर ना सिर्फ एप्पल जा रहा है, टेस्ला जा रहा है, बल्कि तैयारे बनाएंगे और फिर उन चीजों को बनाकर और जो असला बनाएंगे अफ्रीका में बेचेंगे, ये सारा उनके फायदे। आखिरी पॉइंट में इसमें यह बताना चाहूंगा कि यूक्रेन की वार, ये मेरा आखिरी 10वां पॉइंट है, यूक्रेन की वार जो है उससे भारत ने किस तरह फायदा उठाया है। यूक्रेन की वार ने एक काम किया है कि उन्होंने जो रशिया का एक सप्लाई लेन थी आर्मामेंट्स की अफ्रीका में, वो इंटरप्ट हो चुकी है और उसका फायदा भारत उठा रहा है। मेक इन इंडिया असला बना के बेचेंगे और यूक्रेन की जो वार है वो भी। जो अगला पॉइंट यूक्रेन के साथ रिलेटेड है कि इस इकॉनमी में जब अमेरिका और चाइना और रशिया तीन ब्लॉक बने, अमेरिका और चाइना इकट्ठे हुए, तेल की एम्बार्गो जब लगाया वेस्ट ने, तेल इंडिया ने तेल इंपोर्ट करके रशिया से जबरदस्त पैसे बनाए, बल्कि यहां तक कि उन्होंने उस इकॉनमी उसी उनसे तेल लेकर रिफाइन करके आगे मजीद बेचा, यहां तक कि अमेरिका को भी बेचा। अमेरिकन फिर वहां भी बेवकूफ बने, दुनिया फिर बेवकूफ बनी, लेकिन फायदा किसने उठाया? भारत। इंडिया की इकॉनमी की ये चीजें थी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया की इकॉनमी को मसाइल क्या है, क्या चीजें वो फेस कर रही है। एक सबसे बड़ा उनका सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ चंद शहरों के अंदर तरक्की नजर आती है, चंद बड़ी अलायंस जैसी कंपनियां हैं जिनके पास सारे इंडिया का पैसा है। ये सबसे बड़ा सेटबैक उनकी इकॉनमी को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है इसके ऊपर, 1991 में जो जब नए इंडिया का की फाउंडेशन सामने आई, जब भारत को खोला गया, लेकिन अभी अभी मजीद खोलने की जरूरत मौजूद है। आज भी प्रोटेक्शनिज्म जो है उनके ट्रेड में उसमें नजर आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, टेस्ला बड़ा अरसा पहले वहां जाना चाहता था, लेकिन टैक्स निगोशिएशन जो थी गवर्नमेंट के साथ उनकी सक्सेसफुल नहीं होती थी। आज भी भारत जब कई दफा इसमें बड़े फखर से वो कहते हैं कि हम अपने टर्म्स पर बात करते हैं, हम जो चीज भी करते हैं लाते हैं अपने टर्म्स पर लाते हैं, किसी हद तक वो ठीक है लेकिन उसके नुकसान भी काफी हैं। अभी भारत को मजीद खोलने की जरूरत है। तीसरी बात सबसे बड़ी मैं ये कहूंगा कि इस वक्त भारत की आबादी उनके फायदे में है, भारत के एजुकेटेड लोग उनके फायदे में है, लेकिन उसके साथ मसला ये भी एक हो रहा है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यहाँ पे जो जो टेक ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं अपने मंसूबे और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेके भारत में जा रही हैं, उनको लोकल टैलेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि टैलेंट वहां से सारा पड़ता है तो वो मिडल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप में चला जाता है, कैनेडा चला जाता है। तो ये दिस इज अनदर प्रॉब्लम। इफ द डायस्पोरा इज गेटिंग देयर, डायस्पोरा इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका सेटबैक ये है कि भारत के अंदर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। चौथी सबसे बड़ी बात चीज ये है कि मोदी जी ने आके नेशनलिज्म दिया। मोदी जी क्या है, बीजेपी के हैं, मज़ इस वक्त रिलीजियस टॉलरेंस के हालात बड़े खराब है। ये आप चाहे इसको यू पुश अंडर द रग, लेकिन यू कैन नॉट हाइड इट इज ट्रू। मैं इसको हर चीज को पाकिस्तान पे ब्लेम कर देने से ये चीजें छुप नहीं जाती। मणिपुर के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, वहां क्लेम आप कर रहे थे कि 700 लोगों ने जो है वो म्यांमार से निकल कर आ गए, वहां पे मुसलमान नहीं है, वहां पे चाइनीज इशू भी चल रही है, वहां पे बर्मी इन्फ्लुएंस भी चल रहा है। तो ये मजहबी इंतहा पसंदी हर चीज में डील करना, बल्कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि लोग फौरन रिस्पॉन्ड चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी बीजेपी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहते और वो हमेशा डिले रिस्पॉन्ड देते हैं और उसका पॉलिटिकल रिस्पॉन्ड देते हैं, इलेक्शन कितने दूर है उसको देखकर बोलते हैं। ये सारी चीजें
दिस इज अनदर सेटबैक टू द कंट्री ओवरऑल। अब उसके बाद अगली चीज जो मैं इस पर कहना चाहूंगा कि इस वक्त जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बहुत बड़ा इशू है। भारत की जितनी बड़ी आबादी है लेकिन औरतों को इसका हिस्सा नहीं मिल रहा। अगर देखा जाए तो सिर्फ 20% वर्कफोर्स जो है वो औरतें हैं, 70% मर्द हैं। एज अ सोसाइटी औरतें घरों में बैठी हैं, दिस इज अनदर सेटबैक। और उसके बाद जो अगली चीज मैं कहना चाहूंगा, दो पॉइंट मेरे अगले अच्छे, फैब्रिकेटेड नंबर्स, जिस तरीके से हमें हमारे जिस तरह से नंबरों को फैब्रिकेट करके फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाता है, जब कंपनियां वहां जाती हैं देखती हैं तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है, ये भी एक सेटबैक है। जिस तरह उसको मैं मिसाल देना चाहूंगा, आपको पता है ये जो पिछले दिनों में अडानी साहब की कंपनी का लोकल ऑडिट किसी छोटी सी कंपनी ने किया था, नंबर फैब्रिकेटेड निकले, जिसका असर उनको न्यूयॉर्क के पे पड़ा था और बाद में बहुत बड़ा ला केस हुआ था। दूसरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा, अमेरिका और वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनियां भारत क्यों गई है, उसका भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। यहां ह्यूमन राइट्स और पीटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशंस के तहत उनको तजर्बात नहीं करने देते थे, ना जानवरों पे, ना बंदरों पे, ना मुर्गियों पे, ना कुत्तों पे, लेकिन उसी के तजर्बे फार्मास्यूटिकल कंपनी इंसानों पे करते हैं भारत के अंदर जाके, क्योंकि रिलैक्सेशन कमजोर है, करप्शन इन्वॉल्व इन सोसाइटी। तो ये आखिरी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि एक यूनिवर्सल इशू है, करप्शन। और वो करप्शन भी भारत के अंदर, जहां ये सारा इस राइजिंग इंडिया, लेकिन दे आर स्टिल फेसिंग। अब उसकी वजह ये है कि बड़े बड़े भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो छुप के आज भी लंदन में फिर रहे हैं, उसमें कई वो किंगफिशर एयरलाइन कंपनी वाले भी हैं, उसमें कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं आज भी जो पैसे लेके भाग जाती हैं। उसमें काफी कंट्रोल है, इसमें मैं अप्रेज करूंगा भारत को, मैं क्रेडिट दूंगा कि इस वक्त आम पार्टी जो है, जो कि पंजाब में इस वक्त बरसरे इकतदार है, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया है। मोदी जी की भी कई मिसालें दी जा सकती हैं जिससे, जिस तरीके से उन्होंने करप्शन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दे स्टिल हैव अ लॉट टू कैच अप। तो ये मेरा एक एनालिसिस था खुद, इसके प्रोज एंड कॉन्स थे, लेकिन इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। जीडीपी उनका स्ट्रॉन्ग है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2030 के करीब इंडिया मे बी बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए बहसी थे पाकिस्तानी अमेरिकन इश्यूज को डिस्कस करना, मेरे ख्याल में भारत शुड प्ले अ रोल टुवर्ड्स पीस बायलैटरल टॉक्स विद द नेबर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक के साथ भी। इफ यू बिकम इट्स वेरी क्लोज फॉर यू हैव ऑलमोस्ट रीच्ड योर डेस्टिनेशन टू बिकम अ रीजनल पावर, बट यू हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ लीडर एज अ रीजनल पावर टू बैलेंस इन द रीजन। यू गो क्रॉस द ग्लोब टू बिल्ड द न्यू रिलेशनशिप्स एंड न्यू थिंग्स, बट यू हैव टू डील विद द नेबर्स एज वेल। तो मेरे ख्याल में आजकल, हालांकि टाइमिंग ठीक नहीं थी, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 दफा इस तरह के क्वेश्चन रिपीट किया अपने जाती दफा स्पीचेस में कि वी वांट बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, लेने होंगे एतमाद बहाल करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स नॉट ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल। आप उसे ट्रेड करें, पैसे कमाएं, और यू विल एंजॉय द पीस इन द रीजन।